आप चलिए अब तस्वीर बुला देते हैं, क्योंकि अब ये कह रहे हैं राहुल गांधी की सिर्फ अडानी अंबानी को बुलाया गया, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, तो तस्वीर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी से मुलाकात नहीं की अडानी अंबानी से, लेकिन जिन्होंने श्रमदान किया था उनका सम्मान देखिए कैसे किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर की जो परिकल्पना है उसे सच किया था उन पर पुष्प वर्षा करके। ये 22 तारीख की ही तस्वीर है और कांग्रेस पार्टी को ये तस्वीर देखनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री ने किसी से जाके मुलाकात नहीं की, जिन्होंने श्रमदान किया, जिन्होंने मेहनत की उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने सम्मानित किया था, पुष्प वर्षा उनके ऊपर की थी। लेकिन सनातन के खिलाफ ऐसा लगता है कि इंडी के तमाम दल हमेशा ही दिखाई दिए हैं और एक बार फिर वही तस्वीर निकल कर सामने आई है, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जो कहते हैं, प्रश्न तो पूछते हैं लेकिन जवाब आज हम दिखा रहे हैं, जवाब देख रहे हैं, जवाब उनके लिए देखना जरूरी है। वही देखिए आप, बीजेपी इस पर पलटवार भी कर रही है, प्रश्न भी पूछ रही है, क्योंकि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। ये गलत है ये कहना कि किसी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया, कार्यक्रम में हर जाति का सनातनी शामिल हुआ है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, अनुसूचित जाति जनजाति गरीब परिवारों को निमंत्रण पत्र बकायदा गया, निर्माण में लगे मजदूर बतौर मेहमान शामिल हुए। हमने तस्वीर भी आपको दिखाई कैसे प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, मजदूरों पर 150 श्रेणियों के 7000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। संत थे, राजनेता, व्यवसायी, खेल जगत के लोग, तमाम लोग, कला जगत, कवि, लेखक, साहित्यकार सभी शामिल हुए थे। जनजातों, घुमंती जनजाति और कार सेवकों का भी परिवार इसमें शामिल हुआ था। यानी आप समझ लीजिए कि सबको लेकर यहां पर इस उत्सव को मनाया गया था, क्योंकि 500 सालों का जब सपना पूरा हो रहा था तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की राजनीति बस इसी के आसपास घूमती रहती है, उनके पास ना जवाब होते हैं देने को, ना सही तरीके से प्रश्न पूछने को होते हैं। सुनिए जरा, गांधी का दिमागी दिवालियापन, राहुल गांधी का परिवार ने 50 साल तक भारत को लूटा, वो इस ढंग की बातें करते हैं जो भारत को गाली देते। ठीक ही तो कहा योगी जी ने, इनकी संस्कृति में नाच गान है, इसीलिए भारत में प्रभु श्री राम को भी गाली देते हैं, इनका एक स्वभाव सा बन गया है राहुल गांधी का, ये खुद नचनिया गगनिया है, इनकी संस्कृति क्या है। अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में किसी को डांस पार्टी डिस्को पार्टी नजर आएगा, अगर हिंदू में कोई हिंसक नजर आएगा, अगर द्वारका में नाटक नजर आएगा, अगर मंदिर जाने वालों में मोलेस्टर नजर आएगा, अगर कृष्ण जी जो अर्जुन को पाठ सिखाते गीता का उसमें जिहाद नजर आएगा, अगर हिंदू में टेरर नजर आएगा, तो किसी को राहुल गांधी में फैंटम नजर आएगा। रोम मानसिकता से बाहर निकले, राम के आदर्श को अपनाएं। तो चलिए, फिलहाल जवाब दे दिया है योगी आदित्यनाथ ने और एक तरह से उनकी जो तमाम आरोप थे उस पर क्लियर भी कर दिया, फर्क समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करते हैं, जहां लगातार प्रकृति अपना रौद्र रूप नेपाल में दिखा रही है और उसका पूरा पूरा असर बिहार से लेकर और जगहों पर भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो प्रभावित इलाके हैं उन क्षेत्रों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश दिया है। जहाँ पर सड़क मार्ग से पहुँचना कठिन है या मुश्किल है, उन इलाकों में हवाई मार्ग से भी खाद्य सामग्री पहुँचाई जाएगी। चलिए बात बिहार की करें, जहां आपको बताएं कि नेपाल में जो आफत की बारिश हो रही है उसका सीधा सीधा असर अब बिहार पर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग देखेंगे तो नेपाल ऊपर है और ठीक नीचे बिहार है। ऐसे में जो जल स्तर वहां बढ़ रहा है उसका आफ्टर इफेक्ट हम बिहार में देख रहे हैं और बिहार में करीब 13 ऐसे इलाके हैं जो बुरी तरह से यहाँ जल प्रलय से प्रभावित दिख रहे हैं। नेपाल में जो बारिश हुई है उससे हालत यहाँ खराब होती दिखाई दे रही है। 2008 जैसी तस्वीरें अब बिहार में दिखाई दे रही है, जहां लोग त्राही माम कर रहे हैं, घर बहे जा रहे हैं पानी के तेज बहाव में, सब कुछ पानी अपने साथ लेता चला जा रहा है और हर तरफ तबाही का मंजर बिहार में नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपके सामने जानकारी चलिए जल्दी से रख देते हैं। देखिए बिहार में
जिस तरह के हालात है नेपाल में, दरअसल बारिश हुई है और उसके बाद बिहार के 12 जिले बदहाल हो गए, बुरी स्थिति में आ गए, क्योंकि यहाँ पर दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, बगहा, सब जगह बाढ़ का कहर देखा जा रहा है, बाढ़ आ गई है। 24 घंटे में बिहार के ऐसे 7 तटबंध हैं जो टूट गए हैं। जी हाँ, पानी के बहाव में टूट गए। दरभंगा में देर रात टूटा कोसी नदी का बांध, वहीं मोतिहारी में सुगौली में बना रिंग बांध टूट गया और इसके चलते ही पानी और तेजी से आगे बढ़ने लगा। सीतामढ़ी में बागमती नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है, सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रही है नदी। शिवहर में भी बांध टूट गया है, बांध टूटने से 30 गांव पर संकट खड़ा हो गया, पानी पानी हो गए ये 30 के 30 गांव। सुपौल, बगहा, बेतिया, सहरसा के सैकड़ों घर ऐसे में पानी में डूबते दिखाई दे रहे हैं। सुपौल के लोग घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए, दूसरी जगह ठिकाना उन्हें देखना पड़ रहा है। बेतिया में लोग घर की छतों पर रहने को मजबूर हो गए, ये स्थिति गंभीर स्थिति बन गई है। आपको चलिए पहले तस्वीर दिखा देते हैं, 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, कैसे हालात चिंतनीय है। देखिए बाढ़ में कैसे ग्रामीण फंसे हुए हैं, यहाँ सेना को बुलाना पड़ रहा है, एनडीआरएफ है, तमाम एसडीआरएफ है जो निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग फंस रहे हैं। अचानक से जल जो प्रलय है वो पहुंच रही, जल का बहाव तेजी से बढ़ता जा रहा है, बांध टूटने से लगातार पानी का फ्लो इलाकों की तरफ हो रहा है, जो गांव है आसपास, जो बांध के आसपास बसे हैं उनमें पानी भर जा रहा है, गांव में देखिए कैसे पानी घुसा है, तीसरी तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और घरों के अंदर जब पानी पानी सब कुछ हो गया तो लोगों को अब घर अपने छोड़कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। चलिए सबसे पहले अब आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरअसल जिस तरह के हालात बिहार में बने हैं उसको देखते हुए निरीक्षण करने पहुंचे, व्यवस्थाओं को देखने पहुंचे। तस्वीर जल्दी से चलिए आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए बिहार में प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण खुद यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए, पानी पानी आप देख रहे हैं। ये पूरा बिहार का उत्तरी इलाका है जो पानी में डूबा दिखाई दे रहा है, जलमग्न दिखाई दे रहा है और हालात गंभीर हैं। हालात गंभीर हैं, इसको लेकर नीतीश कुमार पहले तो खुद सर्वेक्षण करने पहुंचे और उसके बाद अब चलिए आगे आपके सामने अगली जानकारी रखने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहुंचकर सिर्फ सर्वेक्षण नहीं किया, कुछ दिशा निर्देश भी दिए, क्योंकि जितनी जल्दी व्यवस्थाएं बेहतर होंगी उतनी जल्दी लोगों को निकाला जा सकेगा, उनकी मुश्किलें कम की जा सकेंगी, क्योंकि पानी ने पूरे बिहार का ऐसा लग रहा है भूगोल बदल कर रख दिया। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या निर्देश दिए। देखिए सीएम नीतीश ने हालातों का जायजा लिया, कैसे हवाई सर्वे किया ये हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया, और हवाई सर्वेक्षण के जरिए ये उन्होंने जायजा लेकर समझने की कोशिश की कि कहां ज्यादा खराब हालात हैं, कहां किस तरह से व्यवस्थाएं पुख्ता करनी है। रेस्क्यू में लोगों को लगाया है, बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट अप किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी घरों की छतें दिखी हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं और लोग यहां पर राहत की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बचाने आए, और ऐसे में नीतीश कुमार ने खुद सर्वे करने के बाद एयरलिफ्ट कराने का निर्देश जारी कर दिया है। ऐसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा, उन्हें वहां से निकाला जाएगा। कुदरत जो तबाही मचा रही है उससे बचाने के लिए खुद अब पूरी तरह से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें अब लोगों को एक एक करके एयरलिफ्ट कर रही हैं और निर्देश दिए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। लेकिन